देखिए मेला पिथौरागढ़ का, कसम से कह रहा दिल को छू गया है नज़ारा, बहुत ही गजब। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका केशव कुंदन ब्लॉग्स पे। गाइज, इस पिथौरागढ़ में इस 12 नवंबर से मेला चला हुआ है, तो मैं इस बीच गया नहीं हूँ मेले में, किस तरह का माहौल और किस तरह का लगा हुआ है मेला, तो वो चीज़ देखूंगा मैं आज और आपको भी दिखाऊंगा। और वो मेला लगा है देव सिंह फील्ड पिथौरागढ़ में। तो बाकी बातें चलते हुए, धूप बहुत अच्छी लगी है, मौसम काफ़ी शानदार है। तो कुछ ऐसा है मौसम आज इस पिथौरागढ़ में गाइज। तो गाइज, यही वो जगह थी जहाँ पे कल वो ऐसी भी अटकी हुई थी, तो अभी निकल गई है, कल निकाल दी। तो ये है गाइज सिल्थाम की मार्केट। ये पहुँचे सिल्थाम पे और अब बढ़ रहे हैं आगे को गांधी चौक की तरफ। तो मतलब गांधी चौक बहुत बड़ी मार्केट है, सब्ज़ी मंडी है और इधर को मार्केट भी बहुत बड़ी, तो काफ़ी भीड़ रहती है गांधी चौक में, लोगों को आना जाना काफ़ी रहता है इस जगह पे। तो ये वो रास्ता है नीचे देव सिंह फील्ड के लिए और इधर को गांधी चौक। ओ भाई, इधर बाइक ले जाएं या नहीं ले जाएं, भीड़ कुछ ज़्यादा ही है यार, गलती तो नहीं हो गई यार इधर को बाइक लाके। ओ शेरदा, ठीक ठाक? ओ हो मनोज, वाह बड़े, और यहीं हो जा रहे हो अभी? यहीं हो, ये समकोट के गांव में एक है जिनका घर, मुंशहरी समकोट के गांव में, तो वहाँ होती है मुलाकात होती रहती है इनसे। तो आज आए हैं मेला देखने, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस जगह मेला देखने। तो ये है गाइस मेले की रौनक। ओ भाई, ये देखिए मेला पिथौरागढ़ का। ये देव सिंह फील्ड में सब दोस्तों का मेला देखिए, कुछ इस तरह का मेला है इधर, काफ़ी भीड़ भाड़ है इस जगह। तो ये नज़ारा है ऊपर से, मतलब गांधी चौक जाते हुए रास्ते से एक रास्ता निकलता है नीचे देव सिंह फील्ड का, यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखा है इस मेले का। तो मैं एक बार आपको नीचे से दिखाता हूँ ये मेला किस तरह का दिख पाता है, तो मैं खुद भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। सो चलते हैं गाइस। तो गाइस, अभी जा रहा हूँ मैं देव सिंह फील्ड में, तो उसके लिए हमें इसी सिल्थाम से नीचे को चलना पड़ेगा। गजब चहल पहल है मेले में और ये गेट से अंदर को एंटर कर लिया। वैसे काफ़ी गजब का मेला लगा हुआ है पिथौरागढ़ में, मज़ा तो आ रहा है यार घूमने में मेले में। लेकिन अभी तो पहुंचा ही हूँ मेले में, इस तरह के आइटम आए इधर। मज़ा, भीड़ भाड़ है, लोग बागों के चेहरे में बड़ी ताजगी दिख रही है। यहाँ मेले में आए हैं लोग बाग, शॉपिंग कर रहे हैं, मेला देख रहे हैं और काफ़ी चंगे हैं लोग बाग, देखिए आप। हेलो हेलो, कुछ इस तरह का है माहौल इस मेले का। और ये देखिए कुछ इस तरह के आइटम में आए हैं इधर, तो मतलब मेले की रौनक ही कुछ और होती है। अगर आप आते हो मेले में ना इस पिथौरागढ़, तो यहाँ की चहल पहल कुछ अलग ही, घर में अलग माहौल बन जाता है। मतलब मेरे घर में कुछ ऐसा माहौल है कि अगर पिथौरागढ़ में मेला लग गया तो वैसे ही खुश हो जाते हो, तो मेले में जाना है देखना है, मतलब दिल खुश हो जाता है ये सब चीज़ें देख के। मैं छोटा हुआ करता तो मेला होता था तो काफ़ी खुश होता था, घर वालों से पैसे लेके मैं इस मेले में आता था, तो घर वालों को एक ही डर रहते थे कहीं खो ना जाए मेले में, तो हाथ पकड़ के रखते थे मेरा। अब तो बड़ा हो गया हूँ तो वो वक्त याद आता है मुझे, जब जब मेले में आता हूँ या कहीं मेले में जाता हूँ। और ये देखिए चरखा चालू और काफ़ी भीड़ लगी है, लोग बाग चरखे में जाने को तैयार है। और एक इधर भी है, तो मतलब एक साथ पूरा मेला घूम लिया मैंने, जहाँ जहाँ जाना था उस जगह घूम घाम के आ गया हूँ मैं। और आपने भी देखा है मेला, बताएगा कैसा लगा आपको। मज़ा आ गया,
सो गाइज ये नज़ारा था इस मेले का, सदस्यों मेले का, इस 12 से 12:01 बजे के टाइम का। तो अभी चल रहा हूँ मैं रूम को और दिखाऊंगा आपको शाम का नज़ारा किस तरह का दिखता है इस सदस्यों का। मिलता हूँ आपको कुछ टाइम बाद और बेहतर नज़ारे दिखे ये कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यार भैया आप मेरी वीडियो तक पहुँच रहे हो तो कुछ एक अच्छा एंटरटेनमेंट हो, एक अच्छी जानकारी मिले आपको, ये मैं सोचता हूँ हर वक्त वीडियो बनाते समय। तो आप भी बताइएगा वीडियो देखते हो मेरी और कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भैया हम चले, ये मेला शाम को, रात को 9, 10, 11 बजे तक भी मेला चलता है। तो पूरा ब्लॉग मेरा इसी मेले को लेके होगा, सदस्यों मेले को लेके। तो मैं आपको शाम का नज़ारा और रात के 9-10 बजे के टाइम पे क्या प्रोग्राम होता है और किस तरह का माहौल रहता है इस मेले का, वो सब कुछ दिखाऊंगा। तो अभी चल रहा हूँ मैं रूम को। नेहरू पार्क में एक हथकरघा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अधिक से अधिक संख्या में आकर इसका लाभ उठाएं। ये गाइस नेहरू पार्क, पिथौरागढ़ नेहरू पार्क, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी दुकान लगी हुई है। मतलब काफ़ी अच्छा है सदस्यों मेला इस बार, और कई नई नई चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं इस जगह पर। सो गाइस अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और देखिए मेला किस तरह का दिख रहा है। अभी लाइट वाइट जल चुकी है कई और देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है यहाँ पर, पसंद वगैरह दिल को छू गया है नज़ारा, बहुत ही गजब। दिखाएंगे आपको आज रात का नज़ारा इस सदस्यों मेले का पिथौरागढ़ देव सिंह फील्ड में, और चल रहे हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे और किस तरह का है माहौल। सो गाइस अभी शाम का बज गया 7 और अभी पहुँचा हूँ मैं मेले में, और देखिए ये हुडी पहन लिया मैंने, हुडी क्या कहें, स्वेटर कुछ ऐसा पहना है, और इस मेले में आया हूँ और घूम रहा हूँ और मज़े ले रहा हूँ इस मेले का। और आप भी लीजिए, भीड़ उतनी और क्या गई जितनी दिन में हुई थी आज, और देखे लोग बाग वही, भीड़ भाड़ वही, दुकान वही, और सब कुछ वही। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है थोड़ा, तो लाइटें जल गई है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इधर मज़ा आ रहा है ये माहौल देखने में बहुत ही शानदार। और देखिए बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं इधर, जलेबी आलू समोसा पकौड़ी वगैरह सब कुछ है, और इधर देख रहे हैं हलवा पूरी। चावल के दाने पर 2 नाम लिखा है, चावल पर पूरे 6 नाम लिखे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। यहाँ पे मिलेंगे आपको चाउमीन, मोमोज वगैरह, ये कई चीज़ें। अभी तादाद में लोग मतलब झूले में झूल रहे हैं। सो गाइस रात के 9 बज गए, जो भी दुकान लगी थी मेले में वो सब बंद होने जा रही है, और कुछ बंद हो रही है। सो गाइस बच्चों के रात के 9, और देखिए दुकानें सारे बंद होने को है, और बहुत अच्छा लगा मुझे इस मेले में आके, और दिल खुश हो गया, और बहुत अच्छे नज़ारे और कई अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी देखने को मिले, और कई अच्छे अच्छे म्यूजिक वीडियोज़ भी हैं, वो आप शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। सो गाइस अभी पहुँचा घर पर, और देखिए टाइम हो गया 9:36। मेला देखा गाइस, बहुत अच्छा लगा मेला, सच में कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेला। कुछ बचपन की बातें याद आई और कुछ नज़ारे बहुत शानदार लगे, शाम का नज़ारा बहुत ही जानदार लगा मुझे। और बताएगा गाइस आपको कैसे लगी ये वीडियो, वीडियो कुछ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।